नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल भर में जो टेनिस के चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उनको हम इस वीडियो में ट्रिक से याद करने वाले हैं 2019 के और 2020 के, कौन महिला और कौन पुरुष विजेता थे। बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चार टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के ग्रैंड स्लैम के साल भर में। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और उसके बाद US ओपन। ठीक है, इसको आप सीक्वेंस जरूर ध्यान रख लेना। AFWU यानी साल में पहला टूर्नामेंट कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और उसके बाद जो है वो फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन ओपन होता है और US ओपन होता है। ठीक है, आगे ट्रिक में हमें काम आएगी। साल भर में चार टूर्नामेंट है AFWU, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन। ठीक है, AFWU। तो पुरुषों में कौन कौन जीता है वो देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। 2019 के अंदर देखो, नोवाक जोकोविक राफेल नडाल। फिर 2020 में हम आते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हो रही है, तो उसमें भी नोवाक जोकोविक जीते हैं, फिर राफेल जीते हैं, और विंबलडन ओपन जो है कैंसिल हो गया है, और लास्ट जो था 2020 का US ओपन जो था वो डोमिनिक थीम ने जीता है। ठीक है, तो सिंपल सी ट्रिक है। देखो, AFWU तो आपने याद कर चुके हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, AFWU। ठीक है, ये आपको वर्ड ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान रख सकते हैं नॉर्थन रेलवे। ठीक है, नॉर्थन रेलवे यानी नदन रेलवे, नॉर्थन रेलवे बोल लो आप। तो नो से नोवाक जोकोविक और रा से राफेल, या फिर आप नोरा फतेह को जानते होंगे, है ना, सेलिब्रिटी है, देखा होगा आपने, बॉलीवुड एक्ट्रेस है नोरा, तो वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो। नो से नोवाक जोकोविक सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद रा से राफेल नडाल, फिर नोवाक जोकोविक, फिर राफेल नडाल। ठीक है, नोरा 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 नोरा। ठीक है, AFWU AFWU AFWU, है ना, यू। तो ऐसे सीक्वेंस से आप साथ में लिखते जाएं, नोरा नोरा नोरा। ठीक है, या फिर नॉर्थन रेलवे, जो भी आपको वर्ड इजी लगे। नोवाक जोकोविक जो है वो सर्बिया से हैं, ठीक है, और राफेल नडाल जो है स्पेन से हैं, और एक और खिलाड़ी जो है हमारे लास्ट में जो आएंगे 2020 में, देखो विंबलडन जो है 2020 का वो कैंसिल हो गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को, कोरोना के कारण, ठीक है, कोविड के कारण जो है विंबलडन कैंसिल हो गया था, और US ओपन जो है उसके विजेता चेंज है बस, बाकी सब में कौन है, नोरा है। ठीक है, डोमिनिक थीम आ जाएगा, ऑस्ट्रिया के हैं डोमिनिक थीम। तो आई होप आपको ये याद हो गए होंगे पुरुषों के खिलाड़ी, बिल्कुल सिंपल है नोरा। ठीक है, AFWU लिख लो साइड में, और इधर से नो और फिर आर है, नोरा 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 नोरा। ठीक है, नॉर्थन रेलवे नॉर्थन रेलवे नॉर्थन रेलवे। ठीक है, और लास्ट में जो है वो डोमिनिक थीम आ जाएगा US ओपन 2020 का। तो 2019 और 2020 मेन सिंगल के विनर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। महिलाओं में एक सिंपल सी ट्रिक हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, वही वापस साइड में AFWU लिख लो, और उसके बाद जो विनर है वो, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन की विनर है नाओमी ओसाका, एशलेग बाल्टी है, फिर फ्रेंच ओपन की, फिर विंबलडन ओपन की सिमोना हालेप थी, US ओपन की बियांका एंड्रुस्कू। अभी थोड़े से नाम काफी टफ लग रहे होंगे, लेकिन बाद में अभी इनको नाम को पढ़ लो बस, है ना, ट्रिक से भी आसानी से याद भी हो जाएंगे ये। फिर 2020 में हम आते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था सोफिया कैनिन ने, फ्रेंच ओपन जीता था ईगा स्वेटेक ने, फिर विंबलडन जो यहाँ पर भी कैंसिल हो चुका है महिलाओं वाला भी, और US ओपन जो जीता वो बियांका एंड्रुस्कू ने जीता है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक से आप याद कर लो कि एक खिलाड़ी है जिसका नाम है मोना, महिलाओं में कौन है, मोना नाम की खिलाड़ी है, तो वो क्या है, सो गई है। ठीक है, ट्रिक क्या है अपनी, ये देख लीजिए आप कि नशीली मोनाबाई सो गई, अब टेनिस नहीं खेलेगी, टेनिस खेल के वो थक चुकी है ना, बहुत ज़्यादा थक चुकी है, तो नशीली मोनाबाई सो गई, बाय बाय, अब कल खेलेंगे। क्या है, नशीली मोनाबाई टेनिस खेलकर सो गई है, अब कल खेलेंगे, बाय बाय। तो सिंपल सी ट्रिक जो आपको दिख रही है, नशीली मोनाबाई सो गई, बाय, यहाँ से ध्यान रखना है। कैसे याद होगा, तो देखो नए से है ना, ध्यान रखना है नोआमी ओसाका, जो नया आ रहा है, ठीक है, नोआमी ओसाका, फिर शीली से क्या ध्यान रखना है, एशलेग बाल्टी, ठीक है, शीली, ठीक है, शिला आ रहा है ना, तो एशलेग बाल्टी। मोना से क्या ध्यान रखोगे, सिमोना हालेप, मोना से सिमोना हालेप, बाई से बियांका एंड्रुस्कू। ठीक है, फिर आते हैं 2020 के अंदर आते हैं, यहाँ पर 2019 के खत्म होते हैं टूर्नामेंट AFWU, और यहाँ पे हमारी नशीली मोनाबाई तक की ट्रिक काम आती है। अब उसके बाद सो गई भाई काम में लेंगे हम, ठीक है, तो सो से सोफिया कैनिन, फिर आता है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन में ईगा स्वेटेक है, तो गई, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ईग या गई, ठीक है, नाम से आपको पता चल जाएगा, इसको अगर हम उल्टा पढ़ते तो गई हो जाएगा, तो ईगा स्वेटेक। फिर विंबलडन कैंसिल है ना, पुरुषों में भी कैंसिल था, महिलाओं में भी कैंसिल है। बात करते हैं US ओपन की, तो बाय, ठीक है, तो बाय से बियांका एंड्रुस्कू, ठीक है, नशीली मोनाबाई सो गई, बाय बाय, कल खेलेंगे टेनिस।
ठीक है दोस्तों, ये थी सिंपल सी ट्रिक। अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा रहा है अभी तक का। बाकी इन टूर्नामेंट्स के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है वो दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों कहाँ खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। इसके अलावा बात करें फ्रेंच ओपन जो है वो मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन जो है वो घास पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन जो है वो मिट्टी पर, और विंबलडन जो है वो घास पर खेला जाता है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, तो विंबलडन जो है वो घास पर खेला जा रहा है और फ्रेंच ओपन जो है वो मिट्टी पर खेला जा रहा है ना, लाल मिट्टी पर। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है सबसे पहले 1877 में विंबलडन ओपन के साथ शुरू हुआ था। तो सबसे पहला जो टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम का वो है विंबलडन ओपन, उसके बाद आया यूएस ओपन, फिर उसके बाद आया फ्रेंच ओपन, और सबसे लास्ट में आया ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, लेकिन जो अगर वर्ष में हम सबसे पहले टूर्नामेंट की बात करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और सबसे अंतिम टूर्नामेंट जो होता है ग्रैंड स्लैम का वो होता है यूएस ओपन। ठीक है, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और अंतिम कौन सा? यूएस ओपन, AFWU। काफ़ी बार बोल चुका हूँ, याद हो गया होगा अब तक। तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विनर कौन कौन है, यानी किसने ज़्यादा जीते हैं? तो रोजर फेडरर और राफेल नडाल ने अभी तक 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उसके बाद नोवाक जोकोविक है जिन्होंने 17 जीते हैं। महिलाओं में बात करें तो मार्गरेट कोर्ट, हालांकि ये तो अभी रिटायर हो चुकी है, तो सेरेना विलियम्स, ये भी इन तीनों खिलाड़ी में से जिन्होंने 23 जीते हैं, तो ये टॉप पर आ जाएंगे अगर और जीतती हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।